कोई भी मेहंदी पाउडर ले लीजिए, यहाँ हम नूपुर के लिए हैं, एंड पानी डाल करके थोड़ी सी एक थिक पेस्ट बनाना है, इस कंसिस्टेंसी की बनाइए, एकदम थिक बनाना है, एंड इसे ओवरनाइट रख दीजिए ढककर, या 3 से 4 घंटे हम यहाँ ओवरनाइट रखे थे। एंड नाउ मॉर्निंग में देखिए कितनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है, कलर कितनी अच्छी है, कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली हो गई, आई डोंट नो कैसे ये हो गया। इसमें एक अंडा डालिए अलॉन्ग विथ वाइट एंड येलो, अच्छे से मिक्स कीजिए, एंड एक अच्छी हेयर पैक इज रेडी, अपने बालों में लगा लीजिए, जिस तरह से 2 घंटे रखिए सो दैट ड्राई हो जाए, एंड उसके बाद जब हल्की सी ड्राई हो जाए तो इसे शैम्पू कर लीजिए, बिकॉज अंडा है तो शैम्पू करना ज़रूरी है। मेरे बैकग्राउंड देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि नाउ आई एम इन माई न्यू प्लेस, एंड कैमरा इधर कर दे, थोड़ी सी लाइट की इशू है, एंड इस घर में आए हुए अभी हम लोगों को हो गया है ऑलमोस्ट 2 वीक्स, एंड स्टिल यू नो सेटलमेंट प्रोग्राम एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन। उस दिन जस्ट आप लोग के साथ शेयर किए थे लास्ट व्लॉग में, यू नो जस्ट स्टिल उस दिन क्या घर वगैरह तो एडजस्टमेंट चल ही रहा था, अनपैकिंग तो चल ही रहा था, एंड नाउ इट हैज़ बीन क्वाइट लॉन्ग गैप हो गई है, एंड अब क्वाइट सेटल एंड विद, पता नहीं क्यों मुझे ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं कर रहा था, बिल्कुल ही नहीं, नॉट एट ऑल, आई डोंट नो व्हाई, बट देन आई थॉट कि फिर सोचे क्या करें, अभी आप लोगों को होम टूर भी कराएंगे, एम्प्टी होम टूर तो कराए थे, आई थॉट कि अभी पूरी घर की टूर भी कराएंगे आप लोगों को, बट नॉट नाउ स्टिल, अभी तक देखिए मेरी इधर कंप्यूटर एंड इधर पैकेट्स वगैरह स्टिल रखी हुई है, कॉल द पर्सन टू सेट कंप्यूटर, दे आर बिजी नहीं आ पा रहे हैं, एंड नॉट आई एम गेटिंग टाइम कि हम सबको अनपैक करके कंप्यूटर कनेक्शन लगाए, वो हम कभी नहीं कर सकते, दैट मेरे हस्बैंड करते हैं और माई सन डज, तो अभी हम लोगों को टाइम ही नहीं मिला, वी आर ऑल एडजस्टिंग टू न्यू हाउस एंड ऑल दैट, एंड रियली बहुत ही आप लोगों के साथ हम शेयर करते ही थे कि जा रहे हैं न्यू प्लेस एंड सब चीज़ दिखाए थे, एक्साइटमेंट था ऑफकोर्स डेफिनेटली कि गोइंग न्यू प्लेस, यहाँ हम ऑलरेडी रह भी चुके हैं, अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड है फ्रॉम द बिगिनिंग तो योर माइंड में क्या, पहले मुंबई में ही थे एंड देन वाइजैक गए एंड अगेन फिर मुंबई हो गया, तो यू नो इट्स नॉट अ न्यू प्लेस फॉर मी, लेकिन लेकिन क्या है ना कि कितने भी आप कहीं भी रह जाओ फॉर लॉन्ग टाइम यू नो इतनी अटैचमेंट हो जाती कि अपने व्हाट्सएप स्टेटस में हमेशा डालते हैं द प्लेस वेयर आई वॉज लिविंग, ये नीचे आ रहा है या तो अपने स्टेटस में हमेशा डालते रहते हैं कि बहुत याद आ रही है, अपने फ्रेंड्स लोग से बात करते हैं आई फील लाइक क्राइंग, लगता है कैसे हम चले जाए, आई नो कि ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज न्यू जगह है तो एडजस्ट करना ही होगा, एंड इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम कि मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है, मेरे हस्बैंड की जॉब ही ऐसी है कि ट्रांसफ़र होना ही होना है, बट स्टिल आप रहते रहते ना आप इतने ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाते हो उस जगह से पता भी नहीं चलता है, एंड व्हेन यू लीव द प्लेस एंड व्हेन कम टू न्यू प्लेस एंड यू सी न्यू पीपल अराउंड यू एंड एवरीथिंग इज न्यू देन यू मिस दैट प्लेस सो मच, मतलब आई टेल यू ऑनेस्टली आप लोग मेरे वाइटी फैमिली हैं तो ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू कि आई क्राइड अ लॉट, एकदम बच्चे के जैसे आई क्राइड, या तो यू नो आई थॉट कि बिल्कुल ही मन नहीं हो रहा था ब्लॉग बनाने का, देन आई थॉट कि नहीं चलो बनाते हैं, मतलब क्या दिखाएंगे कुकिंग, तो अभी मेरा भी गैस स्टोव अभी तक नहीं है, स्टिल मेरी कुकिंग इंडक्शन में चल रही है, आप तो पुराने वीडियोज़ वगैरह हम डिलीट कर रहे थे तो मुझे एक वीडियो मिला जो कि हम वाइजैक में जो कुक किए थे वो रिकॉर्ड हम किए थे एंड प्रॉब्ली हम डाले थे नहीं डाले थे आई डोंट रिमेम्बर, बट स्टिल दैट क्लिप इज़ विद मी, तो शावर वगैरह हो गई, आज आप लोगों को मेहंदी अंडा दिखाए, शैम्पू किया है बिकॉज अंडा है ना तो बिना शैम्पू के स्मेल जाता नहीं है, तो जब भी अंडा लगाते हैं ना तो शैम्पू करना पड़ता है, तो दिस आई हैव डन, तो चलिए मेरी सब हो गई है, काम इज़ क्वाइट लेट ऑब्वियसली, मेरे काफ़ी लेट हो जाता है, आई थिंक इट इज 12:30 एंड घड़ी आप लोगों को पता नहीं है दिखेगा कि नहीं, इसमें घड़ी वहाँ भी आप लोग दिखती हुई दिस वॉच 12:30 हो गया होता है, फिर सेट करना होता है ऑल दैट, अभी कुछ भी थोड़ी बहुत करते हैं कभी इधर के सामान काइंड ऑफ लाइक सब सामान सेट कर दें एंड देन काइंड ऑफ लाइक रीशफलिंग एवरीथिंग, कभी ईस्ट को वेस्ट डायरेक्शन कर देते हैं, नॉर्थ को साउथ में डाल देते हैं, साउथ वाली चीज़ को ईस्टर्न में डाल देते हैं, तो रीशफलिंग स्टफ इज स्टिल गोइंग ऑन, तो चलिए
I'm quite happy कि at least हम शुरू तो किए. Let's see आज हम क्या क्या बना पाते हैं. तो cooking तो नहीं show करेंगे, वही cooking देखी जो वाइज में मैं still that video with me. And then फिर शाम में आप लोगों को दिखाएंगे my hair how it is. सरसों तेल में 5 फोरन प्याज डाल करके सॉटे कीजिए जब तक ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है. जिंजर गार्लिक पेस्ट डालिए, सॉटे कीजिए. हल्दी मिर्च धनिया पाउडर डालिए एंड आधे मिनट के लिए इसे पकाइए सो दैट मसाला पक जाए. सरसों पाउडर में पानी डालकर एक सॉल्यूशन बना लीजिए और सरसों पाउडर सॉल्यूशन डाल दीजिए इसमें एंड इसे जस्ट मिक्स कीजिए. ज़्यादा नहीं पकाना है नहीं तो ये बीटर हो जाता है. सहजन एंड आलू डालिए. यहाँ बॉइल पोटैटो डाल रहे हैं, चाहिए तो कच्चा आलू भी डाल सकते हैं. सबको सॉटे कीजिए. बीच में स्पेस बनाकर टमाटर नमक डाल करके 5 मिनट के लिए सिम में कवर कीजिए सो दैट टमाटर सॉफ्ट हो जाए. टमाटर को बीच में डालने से क्या होता है ना कि टमाटर सॉफ्ट हो जाता है एंड प्यूरी बनाना इजी हो जाता है. कढ़ाई में ही बन जाता है, अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है. ये हो गया है एंड नाउ सबको अच्छे से मिक्स कीजिए. पानी डालिए एंड सबको ब्रिंग इट टू अ बॉयल एंड इसे करीब सिम में 10 मिनट्स के लिए इसे कुक होने दीजिए. आफ्टर दैट गैस ऑफ कीजिए. सर्विंग बोल में निकालिए मछली के टेस्ट वाला सहजन की सब्जी, सूटी की सब्जी. इंजॉय. चलिए अब आप लोगों को हेयर दिखा दिए हैं. कितनी खूबसूरत वॉल्यूम आई है आप लोग देख सकते हैं. माय हेयर लुक्स सो वॉल्यूमिनस. हल्की सी मेहंदी लगाए थे एंड शैम्पू किए थे एंड ऑल दैट. एंड नाउ कॉम भी पकड़े हाथ में. एंड नाउ 17:30 एंड दिस इज चाय 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 टाइम. चलिए और बनाते हैं चाय. एयर ड्राई किए हैं और कुछ भी नहीं है, सिंपली एयर ड्राई एंड या सिंपली एयर ड्राई किए हैं एंड माय हेयर लुक्स सो वॉल्यूमिनस एंड ऑल दैट. बहुत ही अच्छा सिंपल है तो हम सोच रहे इस पर एक यू नो शॉर्ट का भी ले लिए हैं एंड किचन आके Fridge is here. Let me take on milk. और बनाते हैं चाय. करीब 5 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट क्या 10 मिनट्स हो गए हैं एंड इस चाय हो गई है. तो चलिए चाय छानते हैं और देखते हैं हाउ इट इज़. फैन ऑन है इसलिए आप लोगों को आवाज़ लग रही होगी. देखिए कैसा है. या इट्स ओके. तो चाय छानते हैं. क्या ये ज़रा सी रीहीट किए हैं, कलर ठीक है.
दिस इज चाय एंड चलते हैं। चाय की कलर यहाँ पे थोड़ी सी अलग। एक मिनट, ये फैन ऑफ कर देते हैं ना, नहीं तो बहुत ही आवाज आती है। लेट मी टर्न ऑन बोथ फैंस एंड आवाज की रहेगी, नहीं तो बहुत डिस्टर्बेंस होता है एंड ऑल दैट। यू नो बस कैमरे सेट करने में यू नो यहाँ पे थोड़ा देखना होता है किस एंगल से आएगा। मेरे तो इतने में पसीने निकलने लगे, ओह माय गॉड। या तो यहाँ मिल्क की कलर पता नहीं कैसा है ना, कि चाय की कलर ही नहीं आती है। मतलब कि हम आप लोगों को चाय देखा, उसके बाद अगेन आई हैव टू रीहीट किए, मिक्स किए, फिर कवर किए, तब जा कर के थोड़ी सी चाय वाली कलर आई है। लाइक वाइजैक में यू नो वहाँ पे तो मिल्क डिफरेंट था, कलर बहुत अच्छी आती थी चाय की, बट यहाँ पे नहीं। एंड यहाँ थोड़ी सी मिल्क जैसी जब चाय पीते हैं ना, थोड़ी सी मिल्की टेस्ट आती है एंड ऑल दैट। या तो लेट मी हैव वन सिप। वेरी हॉट। एक तो इतनी गर्मी, फैंस वगैरह ऑफ कर दिए, एसी नहीं ऑन किए हैं, करेंगे तो बस आप लोगों को दिन के समय बता रहे थे ना कि जैसे मिसिंग माई ओल्ड प्लेस। या कितनी आप लोगों को बोलकर ये हम आई एम नॉट गोइंग टू ईट योर ब्रेन की एक ही चीज़ बोल रही है, लेकिन या इट हैपन्स यू नो, इट टेक्स अ वाइल टू गेट योर सेल्फ एब्सोल्युटली एडजस्टेड टू न्यू प्लेस। एंड फिर पुराने जगह की मेमोरीज रह जाती है, एंड देन वहाँ से स्लोली आप मेंटली इमोशनली स्लोली आप डिटैच होते हैं, एंड देन यू डोंट इवन नो कि आप न्यू जगह में कब एडजस्ट कर गए। तो दिस वार आई एम, मेरा अभी यही फेस चल रहा है कि आई एम गेटिंग, मतलब हर चीज़ में वॉट एवर आई डू आई काइंड ऑफ लाइक हर चीज़ में मुझे याद आता है। कुछ भी हम सब्जी बनाते हैं या आई डू एनी थिंग यू नो, हर चीज़ कंपेरिजन होता है कि मेरे वाइजैक में तो ऐसा था, वाइजैक में वैसा था एंड ऑल दैट। तो इतने दिनों के बाद हेयर केयर किए एंड आप लोगों से बात की, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। चलो यार, मेरे कुछ फैमिलीज हैं जो कि दे आर परमानेंट, नो मैटर विच पार्ट ऑफ वर्ल्ड आई मीन, बट या दे आर विद मी, वो लोग हमेशा मेरे साथ रहेंगे एंड उन लोगों से हम अपने दिल की बात हम कर पाएंगे। या सो दैट कैन स्पीक समथिंग। अभी मेरे यहाँ एक भी फ्रेंड नहीं हुए, जस्ट मेरे नेबर हैं, तो जस्ट हाई हेलो यू नो, बाय द वे व्हेन वी आर क्रॉसिंग बाय, बट हाई हेलो, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, बस शी इज़ वर्किंग एंड एंड ऑल दैट। तो अभी नहीं हुआ है, और यहाँ पे गणपति की भी हुई थी, आप 3 दिन की पूजा थी सोसाइटी में। तो नाउ आई एम इन मुंबई, तो आई थिंक कि आई नीड टू बाय स्टैंड, लेकिन यहाँ पे इतनी ओपन मार्केट है मुंबई में, एंड आई नो ऑल मार्केट्स, कि हम जाए पुराने मार्केट जाए थोड़ी बहुत एक्सप्लोर करें, नहीं करें तो जस्ट घूम कर आ जाएंगे, बट देन मन ही नहीं होता है, एकदम मन ही नहीं होता है यू नो। वहाँ से आई वाज सो हैप्पी ना आपके साथ शेयर करते हुए, देखिए आई एम गोइंग मुंबई बैक टू माय ओल्ड प्लेस एंड मेरी पुराने मार्केट हैं, एंड देयर आई एम गोइंग टू विजिट एवरीथिंग। अब यू विल नॉट बिलीव, बस एक बार हम एक गेट टुगेदर में गए थे, उसके बाद आई हैव नॉट विजिटेड एनीबॉडी। अब नाउ इतने दिन हो गए हैं, अब जाना चाहिए, एंड आई टू शुड कॉल देम, लेकिन अभी वो आई डोंट फील लाइक कि हम अभी किसी को बुलाएं और या हम कहीं जाए। आई जस्ट वॉन्ट टू आई डोंट नो, लोनलीनेस लगता है, काफ़ी लोनली, बहुत अकेले हो गए हैं यहाँ। या इवनिंग में एटलीस्ट यू नीड फ्रेंड्स, से तो अपने पुराने फ्रेंड से बात करती हैं, बट टेलीफोन में बात करने में एंड फेस टू फेस बात करने में इट दीज आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। या लेकिन चलिए, आज बहुत अच्छा लगा, अपने परमानेंट फ्रेंड से हम बात किए, एंड आई थिंक आई नीड टू हैव चाय, वन सिप चाय तो ले ही रहे वन से। ये मेरा साथी है, हमेशा रहेगा। सो फनी। तो बस आज की एटलीस्ट आई हैव स्टार्टेड एंड ओल्ड रेसिपी जो वाइजैक में बनाए थे, आई डोंट नो पहले पोस्ट किए हैं नहीं किए, आई हैव नो आइडिया। तो फिर हम कर देते हैं, बिकॉज मुझे टाइम ही नहीं कि हम जाके देखें कि हम उसे डाले हैं या नहीं डाले, क्योंकि जब भी हम कोई भी कुकीज़ नहीं है मेरी नई रेसिपी या कुकिंग कुछ भी हम करते हैं, तो इमीडिएटली वंस अपलोड हो जाती है यूट्यूब में, तो अपने इधर से लाइब्रेरी से आई जस्ट इमीडिएटली डिलीट इट फॉर एवर। लेकिन व्हेन आई वाज सर्चिंग तो वो था, आई डोंट नो, आप
लोग देखी हुई या नहीं बताइएगा, अगर आप लोग देखी हुई तो प्लीज़ डू टेल मी। एंड यहाँ पे कुछ रेसिपीज क्या शेयर करेंगे, मन भी नहीं होता बनाने का। चलिए जो वारे वर्क कुछ भी होगा, थोड़ी सी स्मॉल वर्क, 5 मिनट 8 मिनट कुछ ना कुछ तो बनाएंगे एवरी डे। या एंड स्टिल आई नीड बहुत थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह, यू नो जो अर्बन क्लैप्स होते हैं ना, बहुत अच्छे वो लोग क्लीनिंग करते हैं, बट स्टिल आई एम मोर क्लीन फ्रीक। तो उनके वो लोग 2-3-4 दिन हो जाते हैं, अगेन आई डू इट माई सेल्फ, मुझे अच्छा लगता है खुद से करना है ऑल दैट। आई डोंट नो ये कैमरा की एंगल ठीक है और शुड आई चेंज इट, ऐसे रखे या आई थिंक दिस इज बेटर ना, फ्रंट में बात करना, किचन से भी रोशनी, उप्स मुझे लगा कैमरा गिर रहा, किचन से भी रोशनी आ रही, इधर से रोशनी आ रही, यहाँ पे बैलेंस लग रहा है, तो इधर रखे थे तो थोड़ी सी एक एंगल था। मैं आई थिंक फ्रंट से इट्स ओके, और यू कैन टेल मी द डिफरेंस। चलिए क्या बोले क्या बोले कुछ भी। चलिए थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, एंड आई होप आप लोग मेरे ब्लॉग पसंद है, पसंद लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, एंड या प्लीज डू सब्सक्राइब, एंड होम टूर भी कराएंगे आप लोगों को, इट विल टेक अ वाइल, अभी नहीं, अभी मुझे कर्टन वगैरह भी लगाना है, अभी पुरानी कर्टन वगैरह लगा हुआ है वाइजक की, अभी क्वाइट हम सेटल हो चुके हैं घर की, नाउ आई डोंट नीड टू रश, नाउ अब जाएंगे गो मार्केट एंड कर्टन लाएंगे, फिर कर्टन वगैरह लगाएंगे अच्छे से, थोड़ी बहुत कनेक्शंस वगैरह भी करना है, डिश वॉश अपने किचन में लगाए हैं, वायर वगैरह ऑल हैंगिंग आउटसाइड, सबको फिक्स करना है अच्छे से करें, दैट गोना टेक लिटिल वाइल, उसके बाद डेफिनेटली आप लोग अपनी होम टूर कराएंगे।